फतेहाबाद के जवाहर चौक में बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले के बंद हो जाने के बाद आज कई पार्षदों के द्वारा जवाहर चौक इलाके में धरना दिया गया। पार्षदों का कहना था कि इस नाले के बंद हो जाने के बाद पूरे शहर की बरसाती पानी की निकासी रुक जाएगी और शहर के कई इलाके डूब जाएंगे। ये जो आज संकेतिक धरना लगाया गया है, जैसे निरांशी ने बताया है कि जो स्टॉर्मी वाटर है वो सदियों से जवाहर चौक के रास्ते से चिल्ली में जा रहा है और अब पीछे जो है प्रशासन ने यहाँ पर जल स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर ISTB भी बना रखा है और इसके लिए जो ड्रेनेज के लिए एक तो सीवरेज के लिए और स्टॉर्मी वाटर के लिए भी यहाँ डिस्पोजल यहाँ पंप लगा हुआ है जो कि रंगोई नाले में जाता है। अब यहाँ जिसकी जमीन है उस मालिक ने 15/6/22 को यहाँ कोर्ट में केस कर दिया। वो कहता है कि मेरी जमीन बिना एक्वायर किए नगर परिषद या जन स्वास्थ्य विभाग है इसको यूज कर रहा है, या तो इस जमीन को एक्वायर करें और मुझे पेमेंट करें। तो कोर्ट में केस चल रहा था तो इसी तरह 6 महीने की 23 को जून 23 में यहाँ के न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने फैसला दिया कि जो स्थिति है वो बरकरार की जाए और ये जो ड्रेन बना रखा है कच्चा ड्रेन इसको बंद किया जाए। तो प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जैसे कि हमारे को पता है कि इनकी बातचीत चल रही थी भी किसी नतीजे पर हम पहुंचे, लेकिन कोर्ट का फैसला उसके बाद में 18/8 को आता है द्वारा से 20 को कंप्लाइंस रिपोर्ट करो आप। तो प्रशासन ने कोई बातचीत नहीं की आगे या कोई परमिशन नहीं मिली, क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन बड़े एक ताज्जुब की बात है कि ये हम लोग नगर परिषद में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पार्षद बैठे हैं, ना तो पिछले 6-7 महीने से कोई मीटिंग हो रही है, ना ही ये मेरी कल प्रधान जी से बात हुई तो वो कहने के मेरे संज्ञान में भी नहीं है। हमारे जितने भी पार्षदगण हैं, इतना बड़ा इशू है, यहाँ एक चुनी हुई एक परिषद है उसके अंदर कृषि किसी भी परिषद पार्षद के पास इस जो कार्य के बारे में कोई नोटिस नहीं है।